हेलो टेंथ क्लास, बायो का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए व्हाट आर लिविंग्स। लिविंग क्या है? हम लोग एट्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, एट्थ में पढ़ा था, सेवन्थ में भी पढ़ा था। लिविंग्स क्या हैं? जर्नली जो सांस लेते हैं या फिर जो मूव कर सकते हैं, ऐसे कुछ करेक्टर्स पढ़े थे। तो मैं यहाँ उन करेक्टर्स को एक एक करके लिख रहा हूँ। फर्स्ट नंबर वन है ग्रोथ। ग्रोथ करेक्टरिस्टिक होता है लिविंग का, एक फीचर है भी। जिनके अंदर भी ग्रोथ होगी वो लिविंग होगा। लेकिन ये बात 100% सही नहीं है। 100% ये बात है सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारी ऐसी नॉन लिविंग चीज़ है जो ग्रो करती है। जैसे रॉक वगैरह हैं, चट्टाने आपने देखी होगी, रॉक वो बढ़ती रहती है। क्या फिर वो लिविंग है? नो सर। तो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ ग्रोथ है एक डेफिनेट करेक्टर नहीं है लिविंग बींग्स का। डेफिनेट करेक्टर नहीं है लिविंग बींग्स का। ग्रोथ की डेफिनेशन क्या होगी? इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास, सेल नंबर, इंक्रीज इन मास नंबर एंड साइज। उसका बढ़ना इरिवर्सिबल तरीके से, मतलब वापस ना हो सके, उसे ग्रोथ बोलते हैं। प्लांट के अंदर ग्रोथ, प्लांट और एनिमल दोनों में ग्रोथ का तरीका अलग अलग है। प्लांट के अंदर ग्रोथ दी लाइफ थ्रू आउट लाइफ चलती है, लेकिन एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर ग्रोथ है, एनिमल ग्रोथ इज लिमिटेड। एनिमल ग्रोथ कैसी है बेटा? लिमिटेड होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट ग्रोथ का मैं कह सकता हूं एनिमल्स के, प्लांट के अंदर नंबर ऑफ ऑर्गन नॉट फिक्स, नंबर ऑफ ऑर्गन नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं होते। बट एनिमल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्गन आर फिक्स्ड, नंबर ऑफ ऑर्गन फिक्स्ड होते हैं। ठीक है जी। तो ये तो था किसके बारे में, ये तो था ग्रोथ के बारे में एक पॉइंट। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं ग्रोथ एक लिविंग बींग का कैरेक्टरिस्टिक है, बट नॉट अ डेफिनेट कैरेक्टर। सेकंड नंबर पे आते हैं, सेकंड नंबर पे आता है रिप्रोडक्शन। सेकंड कैरेक्टर है लिविंग बींग्स का रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिप्रोडक्शन? री का मतलब एग्जाम पेपर में आ गई आपकी री। प्रोडक्शन का मतलब पैदा करना, मीन्स वही री, वही वाला है, दोबारा अपने जैसे दोबारा पैदा करना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच यंग वंस आर प्रोड्यूस, प्रोड्यूस बाय द पेरेंट्स। उसे हम रिप्रोडक्शन बोलेंगे। तो ये भी करैक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग बींग्स का, बट नॉट डेफिनेट करैक्टर, नॉट अ डेफिनेट करैक्टर। क्यों सर? क्योंकि हमने नाम सुना है, एक तो म्यूल और एक है हनी बी। इन दो में एग्जांपल समझते हैं। म्यूल, म्यूल क्या है? खच्चर बोलते हैं। ये किससे मिलकर बनता है, किस किस का प्रोडक्ट है? सॉरी, मेल डोंकी और फीमेल होर्स, इनके क्रॉस से जो बनता है उसको बोलते हैं म्यूल। ये म्यूल अपनी लाइफ में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता खुद से, तो क्या ये नॉन लिविंग है? नो सर। तो ये भी एक डेफिनेट कैरेक्टर नहीं हुआ। हनी बी की बात करूं, हनी बी तीन टाइप की है, वर्कर, क्वीन, वर्कर क्वीन और ड्रोन। क्वीन है ये फीमेल है, वर्कर है ये फीमेल है, ड्रोन मेल होते हैं। जो वर्कर है वो होती है स्टराइल,
वर्कर क्या होती है बेटा, स्टराइल होती है, मतलब अपनी लाइफ में ये खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो क्या ये नॉन लिविंग है? नो सर, लिविंग है। तो मैं कह सकता हूँ रिप्रोडक्शन भी एक डेफिनेट करेक्टर नहीं है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड नंबर पे आता है मेटाबॉलिज्म। यस, ये एक डेफिनेट करेक्टर है। थर्ड नंबर पे आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या है बेटा? ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन, ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी, अकरिंग इन द ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। इट इज टू टाइप, एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, और सेकंड है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और सेकंड है कैटाबॉलिज्म, ठीक है सर। एनाबॉलिज्म ऐड होना, जुड़ना, ऐड। कैटाबॉलिज्म सी से कट। एनाबॉलिज्म कहता है जब छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना देते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, तो वो केमिकल रिएक्शन एनाबॉलिक रिएक्शन होगी। कैटाबॉलिक कहता है जब एक बड़ा सा मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो गए, टूट कर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बना देता है, उसे बोलेंगे आपा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का एग्जांपल याद रखना है आपको फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, और एनाबॉलिज्म का एग्जांपल याद रखना आपको रेस्पिरेशन, ठीक है भाई। ये एक डेफिनेट करेक्टर है लिविंग में। नंबर आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मींस जितनी भी लिविंग चीजें हैं वो सेल से मिलकर बनी हुई है। सेल, इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी कब? इन 1665 के अंदर, इन 1665। तो ये सेलुलर लेवल बताया, भी सेलुलर लेवल है मींस कोई भी ऑर्गेनिज्म वो सेल से मिलकर बना होगा। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, और ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन बनाएगा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट पांच नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे आता है, फिफ्थ नंबर पे रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिम्यूलस, ठीक है भाई। रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? जवाब देना। एक्सटर्नल स्टिम्यूलस, सर स्टिम्यूलस क्या होता है? एनी चेंज इन द एनवायरमेंट, चेंज इन एनवायरमेंट क्या कहलाता है बेटा? वो स्टिम्यूलस कहलाता है। एनवायरमेंट क्या होता है? टोटल सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, टोटल सम ऑफ ऑल फैक्टर इज कॉल्ड एनवायरमेंट। ये फैक्टर्स बायोटिक और अबायोटिक दो हो सकते हैं, इन दोनों का सम है वो क्या कहलाएगा बेटा? फैक्टर्स कहलाएगा। और फैक्टर क्या होते हैं? विच अफेक्ट लिविंग। फैक्टर क्या होते हैं? वो चीज जो अफेक्ट करते हैं किसको बेटा? लिविंग को। और व्हाट इज लिविंग? अभी पढ़ के आए जितने करैक्टरिस्टिक हैं सब किसके होते हैं? ये लिविंग्स के होते हैं, ठीक है भाई। तो लिविंग के बारे में मैंने आपको बताया भाई, सेवन्थ एट्थ क्लास में आपने पढ़ा है सजीव नजीव या निर्जीव, या फिर आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा लिविंग नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस। तो वहां से एक पॉइंट निकल के आया, लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या? जिनके अंदर ये लगभग करैक्टर है वो लिविंग है। उसके बाद जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो भी
प्रोसेस कोई ऑर्गेनिज्म करता है वो कहलाएंगे लाइफ प्रोसेसेस। वो क्या कहलाएंगे? लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस में जो मेन इंपॉर्टेंट ऐसा फंक्शन है जिसके बिना ऑर्गेनिज्म नहीं सर्वाइव कर सकता वो है न्यूट्रिशन। तो हेडिंग डालिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन से पहले आपको पता होना चाहिए फ्यूल के बारे में, क्योंकि ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग। फ्यूल एसएसटी में भी आता है। फ्यूल क्या है? ऐसी कोई चीज जिसको जलाने से हमें एनर्जी ऊर्जा प्राप्त होती है वो कहलाते हैं हमारे फ्यूल। तो यहां पर फ्यूल क्यों लिखा है सर? क्योंकि हमारी बॉडी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी को चलाने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है बेटा? फ्यूल। और वो फ्यूल क्या होगा? फूड होता है, और उस फूड को लेना दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पूछ ले, व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे? फूड के बारे में लिखोगे, फूड इज अ ऑर्गेनिक, फूड इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस फूड is a organic substance and nutrition is a process and nutrition is a process of intake of intake का मतलब होता है लेना and nutrition is intake of food like carbohydrate प्रोटीन लाइक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज यूटिलाइज दिस फूड। उस फूड को लेने के बाद उसका यूटिलाइजेशन भी करना, एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फूड। जनरली फूड को न्यूट्रिएंट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट को लेना ही क्या कहलाएगा? न्यूट्रिशन कहलाएगा। ठीक है भाई, चलिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप का हो सकता है? न्यूट्रिशन दो टाइप का है भाई, हमने पढ़ा हुआ है न्यूट्रिशन दो टाइप का है, ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक फर्स्ट, और सेकेंड है बेटा हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक और दूसरा कौन सा बेटा? हेटरोट्रोपिक। चलिए ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक के बारे में क्या बोलते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड। लिखो लिखो ऑटोट्रोप या ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड, मेक्स इट्स ओन फूड किससे? फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या आ जाएगा बेटा? लिखो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। दीज ऑर्गेनिज्म depends on autotrophs,
या सीधा लिख दो दिस डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म या अदर ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म कौन होगा, ब्रैकेट में लिख लो प्लांट्स, ठीक है जी। चलिए सबसे पहले हम आज बात करेंगे, हेटरोट्रोपिक बता देता हूँ मेनली, क्योंकि ऑटोट्रोप्स थोड़ा लंबा चलेगा। हेटरोट्रोप्स में लिखो ये तीन टाइप के हो सकते हैं हेटरोट्रोप्स भी, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और थर्ड है ओमनिवोरस। हार्बीवोरस क्या होंगे, हार्बीवोरस वर्ड हार्ब से निकला है, घास फूस से निकला है, हार्ब से लिखो हार्बीवोरस। वैसे तो 8th क्लास में आपने डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी है इसकी, फिर भी एक बार लिख लो। हार्बीवोरस में क्या आएगा बेटा, दोज ऑर्गेनिज्म विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट, काउ डियर एग्जाम्पल है। कार्निवोरस में लिखो विच ईट ओनली मीट, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, उनका फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, उन्हें कार्निवोरस बोलते हैं भाई, लॉइन वगैरह हो जाएगा। ओमनिवोरस में लिखो दोज ऑर्गेनिज्म विच ईट बोथ, विच ईट बोथ प्लांट एज वेल एज, प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। जो हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं हेटरोट्रोप्स भी। सेप्रोफिटिक का मतलब है डेड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर पे जो फूड लेते हो, डेड चीजों पर लिखो। सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम, ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, गली सड़ी चीजों से जो अपना खाना लेते हो, ठीक है भाई। इसमें मेनली एग्जांपल क्या आता बेटा, फंगस, फंगस, ठीक है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आ जाओ भाई, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसमें एक होगा होस्ट और एक होगा पैरासाइट। इसका एग्जांपल है कसकुटा, नाम सुना है कसकुटा बेल, अमर बेल। क्या कहता है, मान लेते हैं एक ये ऑर्गेनिज्म है ए, ये छोटा सा ऑर्गेनिज्म है बी, ये इसके ऊपर रहता है, ये बी वाला ए के ऊपर रहता है और इससे क्या लेता है, न्यूट्रिशन लेता है, क्या लेता है, बी से न्यूट्रिशन लेता है फ्री में, इसको बिना मारे। तो ये जो ए है ये तो कहलाएगा मेरा होस्ट और बी क्या कहलाएगा, मेरा पैरासाइट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव्स, एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव्स इट्स फूड, इट्स फूड फ्रॉम, फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट, उस होस्ट से लेता है, तो वो टाइप का न्यूट्रिशन है, वो क्या कहलाएगा, मेरा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कसकुटा मैंने आपको इसका एग्जांपल बता दिया। होलोजोइक लिखो, होलोजोइक द न्यूट्रिशन इन विच
ऑर्गेनिज्म टेक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इनटू द बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स फूड को लेके जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन उसके बाद ले जाने के बाद उसको डाइजेस्ट करेगा, फिर उसमें से एनर्जी को ड्राइव करेगा। तो ये तीन टाइप के हम लोगों ने पढ़ लिए, सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रोपिक, पैरासिटिक और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट अगली जो डिस्कशन होगा हमारा वो होगा ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मीन्स फोटोसिंथेसिस। ठीक है भाई, तब तक के लिए थैंक यू।